सब्सक्राइब करिए टुडे स्पोर्ट टिप्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट बिजनेस और टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलवंत रासोपी का स्वागत है आपके अपने चैनल टुडे स्पोर्ट टिप्स पे। दोस्तों, जब बात करने जा रहे हैं कि 4 स्टार 5 स्टार होटल्स होते हैं या फिर दोस्तों रिजॉर्ट वगैरह होते हैं, क्रूज लाइन वगैरह होती है, इसमें आप एचआर का जो भी एचआर जो भी होते हैं यानी कि ह्यूमन रिसोर्स जो होता है और दोस्तों अकाउंट का काम क्या क्या रहता है और दोस्तों इसमें कैसे कैसे जॉब रहती है और कैसे कैसे इसको किया जा सकता है। दोस्तों इसके अंदर जो है बताना चाहूंगा कि आप अगर होटल लाइन के अंदर 4 स्टार 5 स्टार होटल लाइन के अंदर या फिर दोस्तों होटल लाइन के अंदर ही आप हॉस्पिटलिटी के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो दोस्तों आप एचआर के तौर पे बना सकते हैं, अकाउंटेंट के तौर पे बना सकते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको क्या करना होता है कि आपको वैसे तो कोई ज्यादा जरूरत नहीं होती है कि आपको ऐसे कोई कोर्स वगैरह करना, होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई कोर्स करना जरूरी नहीं होता, बट दोस्तों अकाउंट के अंदर आपकी अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाकर आप अकाउंट के तौर पर होटल लाइन के अंदर काम कर सकते हैं। और दोस्तों आप अपना इंटरव्यू वगैरह फाइट करके आप एज ए अकाउंटेंट होटल के अंदर काम कर सकते हैं। दोस्तों अकाउंटेंट के अंदर भी अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट होते हैं, उसके अंदर आप वर्क कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा जो एचआर डिपार्टमेंट होता है, एचआर डिपार्टमेंट के लिए आपको जो है एमबीए वगैरह जो भी एचआर के अंदर की होनी चाहिए। दोस्तों जो भी आपकी ग्रेजुएशन वगैरह है, फिर दोस्तों एमबीए वगैरह है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, वो दोस्तों एचआर से रिलेटेड आपकी होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी थोड़ा बहुत आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आप एज ए एचआर होटल के अंदर काम कर सकते हैं। अब होटल के अंदर एचआर के डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग तरह की पोस्ट वगैरह हैं और अलग अलग तरह के एचआर जो भी है वो रहता है, तो दोस्तों इस तरह से आप काम कर सकते हैं। आपके एक्सपीरियंस के आधार पर आपको जॉब प्रोवाइड की जाती है। और एचआर का जॉब क्या रहती है, अब एचआर की जॉब ये रहती है कि आपको जो एचआर होता है वही सभी डिपार्टमेंट के जो भी एम्प्लॉयज वगैरह होते हैं वही हायर करता है, और जो भी ट्रेनिंग वगैरह आते हैं होटल लाइन के अंदर वही उनको हायर करता है, और वो भी दोस्तों उनको पूरा इंटरव्यू वगैरह स्टाफ से पहले इंटरव्यू वगैरह एचआर ही लेता है। उसके बाद दोस्तों आप जिस डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं उस डिपार्टमेंट का जो भी मैनेजर वगैरह है, फिर दोस्तों एचओडी वगैरह है, दोस्तों वो आपका इंटरव्यू लेता है। तो सबसे पहले आपको एचआर डिपार्टमेंट का ये रहता है कि पूरा एचआर डिपार्टमेंट ही देखता है होटल लाइन की जो जॉब्स वगैरह है, फिर दोस्तों अलग अलग तरह की पोस्ट वगैरह है वो दोस्तों कैसे निकालनी है, रिक्वायरमेंट किस किस डिपार्टमेंट में कितनी रिक्वायरमेंट है वो दोस्तों एचआर के अंडर में रहती है, और अकाउंट का सारा काम अकाउंटेंट के अंडर में रहता है। अकाउंटेंट का ये रहता है कि सबसे पहले जो भी ऑनलाइन बुकिंग्स आई है उनका पेमेंट कैसे जानी है, पेमेंट को कैसे हैंडल करना है, होटल के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है और कैसे इन्वेस्टमेंट को हैंडल करना है, सब अकाउंटेंट के अंदर में रहता है। दोस्तों इस तरह से आप अकाउंट डिपार्टमेंट के अंदर, एचआर डिपार्टमेंट के अंदर काम करके भी आप अपना अच्छा खासा करियर बना सकते हैं होटल लाइन के अंदर। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके सामने ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।